आंगनपुरी के रहने वाले हैं। गोदाम बनना था, दीवार पलट गई है। ये मालिक 10 बजे रात के काम करवाते थे, हमारे बच्चे रात में 9 बजे काम कर रहे हैं, दीवार पलट गई तो मालिक ने जब पता नहीं कहाँ करे थे पहले, तो हम तो ढूंढते ढूंढते यहाँ आए हैं हरियाणा में, और हमारी कोई पता नहीं, कोई सुनवाई ना हो रही। मालिक आया आपके यहाँ पे? नहीं नहीं आया। 100 नंबर पे कॉल की गई? हाँ की है। काल बन गई ये दीवार, 7 से 8 मजदूरों पर गिर गई। पीले पंजे के खौफ में भूमाफियाओं का देर रात में होता है अवैध काम, अंधेरे में रचा जाता है पूरा खेल। ये टूटी हुई दीवारें या मलबा नहीं, मौत का सामान है जो काल बनकर 7 से 8 मजदूरों पर टूट पड़ा। रात का समय और इस सर्द रात में जब लोग सो रहे थे, अलीपुर के बकोली में मजदूर चीख रहे थे, बिलख रहे थे। उसको फोन करें यहाँ पे। ये यहाँ तुम तो सारा ही कचरा साफ कर रहे हो, इसका मतलब है? ले बात कर, 100 नंबर पे ले। उसको फोन करें यहाँ पे। 100 नंबर कॉल करिए, कौन करवा रहा है ये? अपने घावों पर खुद ही मरहम लगा रहे थे, क्योंकि ना उन्हें कोई पूछने वाला था, ना कोई देखने वाला। जी हाँ, ये मजदूर उस जगह काम कर रहे थे जो अवैध रूप से चल रहे हैं, ये भूमाफियाओं के इशारे पर चल रहे थे। कैसे क्या हुआ भाई जी? कैसी लग, पर्लिंग लगा रहे थे चंद्री के बकौली में। क्या गोदाम बन रहा था? हाँ जी। फिर कैसे क्या हुआ? चैनल लगा रहे थे तो कैसी अपने आप चली गई। कितने आदमी दबे थे? 5-6 आदमी बकौली में था। हाँ जी, शमशान घाट के पीछे। दिन में पीले पंजे का खौफ था, इसलिए देर रात काम शुरू हुआ, मजदूर लगाए गए। भूमाफियाओं ने सोचा कि रात ही रात में पूरा गोदाम खड़ा कर देंगे, पर कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का होता है, तो बस वही हुआ। शैतानों के काम में बरकत नहीं थी। जिस दीवार को मजदूर ऊंचाई पर पहुंचा रहे थे, वो ढह गई, भूमाफियाओं के सामने नष्ट नाबूद हो गई, और मजदूरों के लिए वो दीवार काल बन गई। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। खबर अलीपुर के बकोली सनराइज फार्म हाउस की है, जहां भूमाफिया प्रशासन की सख्ती के बावजूद अवैध गोदाम के निर्माण में लगे हुए थे। देर रात में काम चालू था और दीवार गिर गई। मजदूरों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना था, पर भूमाफियाओं की कारिस्तानी देखिए, वो घायल मजदूरों को दिल्ली के अस्पताल नहीं, हरियाणा ले गए। कौन एडमिट है? और हम तो रात में गए गोदाम के मालिक 10 बजे रात के काम करवाते थे, और बच्चे ने के हमारे के जब पंटी गई वह दीवार तो दिल्ली को लेके भागे, हमारा हरियाणा में गिर गए, पर भर्ती लाके कर दे, और बच्चे हमारा होतो ना मालिक आओ ना, और लाए के जीस दी और ले जाके 100 लेबर लगा के अपनो माल हटवाए रहे, और जान आ दे के हमारे बच्चे। आनन फानन में सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, पर मजदूरों के परिजनों के आंसू और टूटे हुए खंभे बता रहे हैं कि हादसा कितना भयानक था, कितना डरावना था। हम आए हैं भूलपुर से, जहांगीरपुरी के रहने वाले हैं, हमारे बच्चे रात में 9 बजे काम कर रहे हैं, दीवार पलट गई तो मालिक ने जब पता नहीं कहाँ करे थे पहले, तो हम तो ढूंढते ढूंढते यहाँ आए हैं हरियाणा में जी, और हमारी कोई पता नहीं, कोई सुनवाई ना हो रही। गोदाम बनना था, दीवार पलट गई है मालिक, और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और इनके बाप भी ना ऊपर। मालिक वो तो हम पेंटिंग का काम कर रहे थे, तो क्या कहते हैं, अचानक से एकदम गोदाम गिर गया था ना, तो मैं अंदर ही था, फिर मैं तो बाहर आ गया, वो लोग चार लोग दब गए थे, हम लोगों ने लकड़ी निकाला उसको जाके। कितने लोग दब गए थे? हम थे उसमें 5 लोग थे। 5 लोग दब गए थे वहाँ पे? एक लोग तो ठीक है, उसमें से 4 लोग का ज्यादा उनकी तबीयत खराब। यहाँ पे थे 10-5 लोग, बाकी उधर तो काफी लोग, संभावना तो हम आपको क्या होता है आइडिया। रोवा पिटान पड़े थे, औरतें रो रही थी अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा, तो वो बोल रहे थे कि हमने दिल्ली नहीं हरियाणा हॉस्पिटल में भेजा है, तो उन्होंने हरियाणा तो आपने क्यों भेजा, दिल्ली क्यों नहीं भेजा, पता नहीं, हम तो अपने आ गए, हम तो अपनी ड्यूटी। ऐसे में सवाल ये है कि प्रशासन क्या रात में भी एक्शन लेगा, कब इन भूमाफियाओं का आतंक खत्म होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन ऐसे अवैध भूमाफियाओं के खिलाफ अब क्या कार्रवाई करता है, या भूमाफियाओं के द्वारा पैसे से प्रशासन की आंखों पर बांधी गई पट्टी उन्हें चुप कर देगी, या मजदूरों के इन टूटे हाथ पैरों पर दिल्ली पुलिस मरहम लगाने का काम करेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।